हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, एंड आल्सो वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। ओके, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, पहले ही जान लेते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आखिर है क्या, फिर ये जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। मीन्स कोई फॉर्मूला है, उसमें कम से कम कितने एलिमेंट्स हैं और उनका रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, ये हम पढ़ते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में। जबकि इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम लोग, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of various elements present in that compound। क्या डिफरेंस दोनों में हुआ? मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो of atoms present in that molecule, but it represents the actual number of atoms of the element present in that compound। ठीक है, it represents simplest number of atoms and it represents actual number of atoms। इसको समझते हैं पहले हम लोग example से। okay, जैसे you have listened about benzene, benzene formula is C6H6। यहां पर छह कार्बन है और छह यहां पर हाइड्रोजन है। इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात करें बेंजीन के फॉर्मूले में कम से कम कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? एक तो सी प्रेजेंट है, दूसरा एच प्रेजेंट है। रेशियो क्या होगा? 1:1, 1:1 मीन्स इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इट इज द सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये दोनों में डिफरेंस है। और एग्जांपल देख लेते हैं। ए C2H6 एक अमाउंट है C2H6। वॉट विल बी इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला? इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? 1:3, 2:2, 2:6। यहां पर सी
एक होगा और हाइड्रोजन तीन होंगे इसके फॉर्मूले में. इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं. H2O2, इट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड, what will be the molecular formula? Sorry, what will be the empirical formula? HO. It is simplest number of atoms. It represents actual number of atoms. Simplest number of atoms, actual number of atoms. Okay. Now, अब ये समझते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द दिस फॉर्मूलाज इफ डेटा इज गिवन. ओके स्टूडेंट्स, सो देयर इज अ सिंपल टेक्निक. यू हैव टू मेक अ टेबल एंड इन दैट टेबल यू विल मेक सिक्स कॉलम्स. Students, you will have to make a table, and in that table you have to make six columns. First column में लिखेंगे आप name of element. Name of element. Then second percentage. जो numerical आपको दिया गया होगा उसमें आपको data दिया गया होगा. Example के लिए आपकी screen पर दिखाई पड़ रहा होगा मैंने एक numerical दिया हुआ है. इसमें आपको देखिए डेटा दिया गया, कार्बन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं. और पहले हम निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, देन वी विल फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड. तो वी विल हैव टू मेक सिक्स कॉलम्स. पहले मैंने थ्री बनाए हैं, तीन कॉलम छोटे छोटे बनते हैं और बाकी जो थ्री कॉलम्स हैं वो थोड़े बड़े बनेंगे क्योंकि उनमें आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. देखते हैं उसको. देखिए परसेंटेज, नेम ऑफ एलिमेंट, देन परसेंटेज, थर्ड कॉलम में लिखेंगे हम लोग एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट पहला नेम ऑफ एलिमेंट, सेकंड में परसेंटेज, थर्ड में एटॉमिक वेट, फोर्थ कॉलम में लिखेंगे हम लोग रिलेटिव नंबर. रिलेटिव नंबर ये क्या होता है? इसमें हम जो परसेंटेज दी गई होगी इसको हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे. परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट इसको हम डिवाइड करेंगे. Then we will write relative ratio 1, 2, 3, 4, 5. Last column
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखिए स्टूडेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज, हियर आई एम टेलिंग यू कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट्स वेरी इजी बट ध्यान से समझना होगा आपको। यदि बहुत है लेकिन समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझें उसको। और हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, बस क्या चाहिए, यू हैव टू पे अटेंशन ओनली। ओके, नेम ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज एंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, और अदरवाइज आपको वो भी आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा। अनकॉमन अगर आएगा तो कॉमन का वाला कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, ये आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा। और जैसे टिन आ गया मान लीजिए, आयोडीन आ गया, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, एटॉमिक वेट परसेंटेज गिवन होगा, तीन कॉलम ये गिवन होगा, और आपको इधर से आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए, अब आप समझिए, एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसको समझे न्यूमेरिकल, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब इस डेटा को समझेंगे कि कैसे हम उस डेटा को इस टेबल में समझें, कैसे पुट अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द न्यूमेरिकल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 68.86% कार्बन, 4.96% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। तीन एलिमेंट्स का कंपाउंड आपको दिया गया है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप पहली बात तो ध्यान रखें, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स उसमें कार्बन अगर है तो कार्बन सबसे पहले लिखिएगा आप, कार्बन देन हाइड्रोजन, आफ्टर दैट जो एलिमेंट अदर्स हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आप उसको लिखिए। ठीक है, कार्बन है तो पहले कार्बन लिखते हैं। देखिए, अब मैं उसी डेटा को इस न्यूमेरिकल पे, सॉरी इस टेबल पे अप्लाई करता हूं, एंड वी विल फाइंड द न्यूमेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री एलिमेंट्स, आप देख रहे हैं, एक एलिमेंट उसमें कार्बन दिया गया है, सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन एंड थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। Isn't it? फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, सेकंड नंबर हाइड्रोजन, थर्ड नंबर ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, इट इज 68.86%, चाहे आप उसको मत लिखिए, परसेंटेज ऊपर लिखी रहे हैं, 68.86 परसेंटेज हो गया। हाइड्रोजन इज 4.96, देखो हाइड्रोजन 68.86%, हाइड्रोजन 4.96%, एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, हाउ विल यू फाइंड द ऑक्सीजन, देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए आप 100 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए, 68.86 प्लस 4.96, इन दोनों का प्लस, रिमेनिंग एलिमेंट्स का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से उसे माइनस कर दिया जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, 100 माइनस इट विल बी 12, 8, 3, 7, 73.82. मैं माइनस करने पे आएगा देखिए 100.00 73.82 माइनस करने पर 10 मिनट हो गया 8 1 6 26.18 हाउ मच 26.18 योर फर्स्ट कॉलम इज कंप्लीटेड. तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. द परसेंटेज इज दिस. ओके, अब कार्बन का जो परसेंटेज होता है कार्बन का एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 12 यू और 12 जी ग्राम ग्राम एटॉमिक मास. हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. मैंने कहा था तीन कॉलम छोटे छोटे बनाइए आप, ज्यादा बिट्स की जरूरत नहीं यहां पर है. हियर यू हैव टू डू कैलकुलेशन, सो इसको थोड़ा सा वाइड बनाएंगे. लिखते हैं फोर्थ कॉलम इज रिलेटिव नंबर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट करना है आपको. परसेंटेज देखिए यहां पर 68.86% यहां पर है और मॉलिक्यूलर वेट इज 12. Here 4.96 divided by 1. Here 26.18 divided by 16. Students, इसे आप divide करेंगे तो you will get 12 by 60. Here it is 88. 12 7 84 remaining 4 12 60 8 88 12 84 4 remaining 12 46 then 12 36 बाकी और भी आएगा इसमें लगभग इट इज 5.73 नियर अबाउट. इसे करेंगे तो यह आएगा इतना आ जाएगा 4.96. अब 60 से डिवाइड कीजिए इसको you will get about 1.64. okay students, name of element, percentage, atomic weight में कुछ नहीं था. यहां पर आपको इस कॉलम में percentage को divide करना पड़ेगा atomic weight से. now the fourth number is relative ratio. यहां पर क्या करना है, फोर्थ कॉलम में जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी, यहां पर देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इन तीनों में जो आंसर आया सबसे छोटा विच इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, अच्छा ये वाली है, अच्छा इसको देखते हैं ये छोटी है ना इससे करते हैं. देखिए इस कॉलम में 5.73 डिवाइड बाय 1.64, 4.96 डिवाइड बाय 1.64 एंड 1.64 डिवाइड बाय 1.64. यहां तो बना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तो बना जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट अबाउट 3.5 एंड हियर यू विल गेट अप्रॉक्स 3. मैंने पहले से कर लिया है, आप लोगों से सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे आपको लगभग कितने वैल्यू मिलेगी, 3.5 यहां मिलेगा तो सॉल्व करने पर 3 यहां आएगा और 1 यहां पे आया. ठीक, डिवाइड करने पे देखिए कंपाउंड में जनरली सभी जो एटम्स होते हैं वो होल नंबर रेशियो में होते हैं. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ी है आपने, उसमें बताया गया है. ठीक है, हालांकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं. अभी हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को लेकर चल रहे हैं और अगर आपका
इस कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में अगर इफ यू गेट द होल नंबर्स लाइक 3, 4, 2, 1 देन नीड नॉट टू बी मेक कॉलम नंबर 6. इफ द नंबर्स ऑब्टेन आर नॉट कंप्लीट नंबर्स देन यू हैव टू मेक द सिक्स्थ कॉलम एंड टू मेक द नंबर्स होल. मीन्स कंप्लीट नंबर्स यू हैव टू मेक. कैसे बनाएंगे देखिए, 1 तो होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है 1, 3 भी कंप्लीट है, 3.5 नहीं कंप्लीट है. तो हम क्या करेंगे कि तीनों नंबर होल नंबर हो जाएं. देखिए अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे क्या आएगा, 7, 6, 2. मीन्स 7 होल नंबर आया, 6 ये आया और 2 ये आ गया. दी आर द होल नंबर्स 7, 6 एंड 2. तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इसका क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए. देखिए सी पहले ले लेते हैं, थोड़ा गैप कर लीजिए, एच कर लीजिए और ओ कर लीजिए. थोड़ा सा गैप कर लिया हम लोगों ने, सी एच एंड ओ. सी कितने एटम से जा रहे हैं, 7. मींस 7, हाउ मच एच, 6. ओ इट इज 2. C7H6O2 is the empirical formula of this compound. इस जो डेटा दिया गया आपको इसका फॉर्मूला क्या होगा, C7H6O2, it is the empirical formula of the compound. Okay? आपने 6 कॉलम बनाए थे, पहले कॉलम में नेम ऑफ एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में परसेंटेज, थर्ड कॉलम में एटॉमिक वेट्स, फोर्थ कॉलम में यू हैव टू डू कैलकुलेशन. कैसे करना है, एटॉमिक वेट को परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अ नंबर. तीनों में फोर्थ कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी होगी डिविजन करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से. ओके, मींस एवरी नंबर which is obtained in column number 4 is divided by the smallest value obtained in fourth column. And in fifth column, if we get whole numbers, then need not to be make the column number 6. And if you have if the number is not whole number, then you will have to make the number whole. Okay, so it is all about the empirical formula. Now we will study how to calculate molecular formula of a compound. So students, इतना आपने कर लिया. अब देखिए पहले हम जान लेते हैं कि अगर molecular formula आपको दिया गया है तो उसमें आपको कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए, वो आपको numericals में किसी न किसी तरीके से दी गई होंगी. वो क्या होंगे देखते हैं हम लोग, साइड में देख लेते हैं उसको. molecular फॉर्मूला, स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला ब्रैकेट में एन. अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हम बात कर रहे हैं इसकी कैलकुलेशंस की,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इन ब्रैकेट एन, इन ब्रैकेट एन, एन व्हाट इज एन, एन इज अ इंटीजर, इट इज एन होल नंबर। कैसे निकालेंगे देखिए इसको, एन हम निकालेंगे, एन इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास, एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इट इज एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, फॉर्मूले में क्वेश्चन में जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया होता है, इन दैट केस द वेपर डेंसिटी विल बी गिवन, आइदर मॉलिक्यूलर मास विल बी गिवन और वेपर डेंसिटी विल बी गिवन। तो एन निकालने के लिए देखिए आप मॉलिक्यूलर मास तो दिया गया होगा उसे निकालेंगे, नहीं दिया होता है देखिए उसके लिए करते हैं। मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखिए मैं बताता हूं आपको, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी, फॉर्मूले आप नोट करते चले, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी बीडी, वेपर डेंसिटी वाष्प का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वेपर्स, फॉर्मूला है एक याद कर लें इसको आप, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू टू इंटू वी डी वेपर डेंसिटी, मैं लिख देता हूं उसको वेपर डेंसिटी। सो आइदर द वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास इज गिवन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका बी पार्ट्स लिखिए। अगर हम मान लें बी, इफ वेपर डेंसिटी इन दिस कंपाउंड इज 122, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं कि वेपर डेंसिटी 122 है, मान लेते हैं वीडी, बी पार्ट्स का वीडी आपको दिया गया है 122 इस क्वेश्चन में, तो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास होगा इसका 2 इंटू वीडी मीन्स 2 इंटू 122 दैट इज 444 यू। हो जाएगा इसका मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसके मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं, अगर वेपर डेंसिटी कंपाउंड की 122 है तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकल आया, 244 यू। ओके स्टूडेंट्स, निकलना क्या है, एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसको आप साइड में नोट कर लें कहीं, अभियान निकालते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। देखिए वी हैव 7 कार्बन एटम्स, 6 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स, 7 इंटू 12, 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 इट इज 84, 6 प्लस 32 you will get 122 U। solve करने पर you will get 122
यू ओके स्टूडेंट्स, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 244 U एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 122 U. नाउ वी फाइंड हियर n. n इक्वल टू व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, इट इज 244 अपॉन 122. It will be n equal to 2. यहाँ क्या आया 2. Then molecular mass equal to formula, empirical formula in bracket n. What is the empirical formula? C7H6O2. N equal to, what is n equal to? 2. Formula will be 7 to the 14. C14H12O4. C14H12O4. आप देख सकते हैं empirical formula represents the simplest whole number ratio in this molecule, whereas this molecular formula represents actual number of atoms of the element in that molecule, that compound. ठीक है, empirical formula shows simplest whole number ratio, whereas molecular formula represents actual number of atoms in the molecule. आइए स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. देखिए आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा और आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. आप क्वेश्चन पढ़े, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, उत्तर मैं उसको रख पढ़ता हूँ. उत्तर देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2, कंपाउंड कंटेन्स 4.07 ग्राम्स हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम्स कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द ऑल्सो इट्स मोलर मास 98.96 ग्राम पर मोल. इसमें मोलर मास आपको दिया गया है, मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास गिवन है और आपको यू हैव टू फाइंड द एम्पिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन. हाइड्रोजन पहले लिख लेते हैं भाई, कार्बन हाइड्रोजन एंड देन इट इज क्लोरीन. तीनों एलिमेंट के नाम लिख लिए. हाउ मच इट इज कार्बन, कार्बन इज 24.27%, हाइड्रोजन इट इज 4.07% एंड क्लोरीन इज 71.65%. ओके स्टूडेंट्स, यू नो द मास ऑफ कार्बन इज एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन 1 एंड इट इज 35.5. थर्ड कॉलम यू हैव टू डिवाइड बाय परसेंटेज एंड एटॉमिक वेट 24.27 बाय 12, 4.07 बाय 1, 71.65 बाय 35.5. इसे करने पर तो पूरा पूरा
हमको यही मिल जाएगा। इसे करना क्या मिलेगा हम लोगों को, और 2.02 12 डिवाइड करेंगे 24.27 से, यू विल गेट 2.02। यहां पर भी लगभग आपको 2.02 ही मिलेगा डिवाइड करने पे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल दे चुका हूं, एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन कम इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव योर रिप्लाइज। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को ATP एजु रामबाण इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। अच्छाइयाँ ना बताएं, बुराइयाँ जरूर बताएं कि हमारे चैनल में हमारे पढ़ाने में क्या कमी है, इसको आप जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द एलिमेंट, सेकंड कॉलम में परसेंटेज, थर्ड कॉलम में एटॉमिक वेट, फोर्थ में उसका डिविजन। नाउ यहाँ क्या करना है, मैंने बताया था आपको इन रिलेटिव रेशियो जो भी वैल्यू स्मॉल आएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू को हर वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, हियर 2.02 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखिए 2.02, 4.07, 2.02 बनाएगा, 2.02 बनाएगा, इसे डिवाइड करते हैं 2.02 से। इसकी वैल्यू 2 से कुछ ज्यादा आएगी तो हम उसको नियरली अप्रोक्स 2 ही मान लेते हैं लगभग, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.12 के आसपास आएगी तो उसको हम नियरली 2 मान लेते हैं, क्योंकि 2 ही लगभग ये प्लेयर फुल नंबर मिल जाएगा हमको अबाउट 2। तो देखते हैं, क्योंकि हमको यहां पर होल नंबर मिल गया है, हमको इस क्वेश्चन में इस कॉलम की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैंने बताया आपको अगर आपको होल नंबर मिल जाते हैं तो आपको फिफ्थ कॉलम की नीड नहीं होगी। स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द इंपिरिकल फॉर्मूला, देखते हैं आइए। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंपिरिकल फॉर्मूला, सी सी कितना आया है 1, एच इट इज 2, हाउ मच सीएल 1। अगर आप 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज सी एच 2 सीएल, इट इज द इंपिरिकल फॉर्मूला सी एच 2 सीएल। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट द इंपिरिकल फॉर्मूला। नाउ वी कैलकुलेट मॉलिकुलर फॉर्मूला, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला मास। स्टूडेंट्स, हियर देयर इज 1 कार्बन एटम सी, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 सीएल एटम, 12 इट इज 35.5, 12 प्लस 2 प्लस 35.5 14, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 49.5, इट विल बी 49.5। स्टूडेंट्स,
Now n equal to, I have told, molecular mass or molar mass upon empirical formula mass. here molar mass is 98.96 gram per mole. It is given. And what is molar mass? What is empirical formula mass? It is 49.5. Okay, students. इसकी वैल्यू भी नियरली इक्वल टू 2 आएगी सॉल्व करने पर. 49.98 बाकी थोड़ा सा और है. नियरली इक्वल टू 2 ये वैल्यू आएगी. इट इज मॉलिक्यूलर मास हियर n, n मींस 2. व्हाट इज द वैल्यू? इट इज CH2Cl. n इक्वल टू 2 आया. इट मींस दैट 2CH4Cl2. It is the molecular formula. So students, it is all about empirical formula and molecular formula. आप इसकी practice करें. आपको कोई doubt रहता है तो आप comment section में मुझे बताएं, मैं आपके doubts दूर करूंगा. Thank you students and have a nice day.